मैंने डिस्कस कर रहे थे बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट तुमको बताया गया था, ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है, जिसका नॉर्थ पोल काम करता है पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ और साउथ पोल काम करता है नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। जब भी आप बार मैग्नेट को लेंगे, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो भी आप उससे रिलेटेड अननोन निकाले या कैलकुलेशन करें, आप ये मान के चले कि आपके पास एक डायपोल, और उसी डायपोल पे रिलेटेड आपको सारा डिस्कशन करना होता है, ठीक है। हाँ, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि जहां आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करते थे, वहां यहाँ यूज होगा μ0/4 पाई। जहां पी यूज करते थे वहां एम होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लेते थे वहां मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। ओके, तो थोड़ा सा सेक्शन को आगे बढ़ाओ। हम लोग सीखे थे पोल स्ट्रेंथ के बारे में। पोल स्ट्रेंथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया था। ये बताया गया था कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल निगेटिव पोल स्ट्रेंथ। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बस इसलिए आपको सिखाया गया है ताकि हम लोग है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इजी वे से ना ट्रीट कर सके, और उसको एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह लेके अननोन निकाल सके। पोल स्ट्रेंथ जो भी आप बात करेंगे, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा, पोल स्ट्रेंथ उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा। पोल स्ट्रेंथ को कभी भी आप लेंथ के अकॉर्डिंग में डिवाइड नहीं कर सकते। आप लेंथ में कितना भी पीसेस कर दीजिए, पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज, मैग्नेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायपोल। ओके, ये सब हो चुका है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भाई वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड होता है Qm × 12। डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब अगर ये वेक्टर है तो कभी कभी ऐसा भी सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल्स मौजूद हो। अगर वैसा है तो पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इंडिविजुअल जितना भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, उसका वेक्टर सम होगा। एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया था, आप इसका आंसर खुद से बताए थे, वेरी गुड, 0 था आपके पास। फिर एक क्वेश्चन दिया गया, ये भी आप कर लिए थे। चलिए आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। बोला गया था आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल का सारा फॉर्मूला है ना, आप पढ़ के आए। अगर आपके पास कोई एक मैग्नेटिक डायपोल है और बोला गया है कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो ये रहा तुम्हारे पास एक्सियल लाइन। यहां पे कोई एक पॉइंट पी है जिसका सेंटर से डिस्टेंस है मान लो आर। आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो उसको आप है ना 2a लीजिएगा। डिस्टेंस को हम लोग 2a लेंगे, मतलब ये मैग्नेट का जो अपना लेंथ है उसको हम लोग 2a लेंगे। सेंटर से लेके वहां तक का डिस्टेंस ऐसा है। याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो हमारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, वही हमारे फील्ड का डायरेक्शन होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला, एक जनरल फॉर्मूला कि एक्सेल लाइन पे जो बी फील्ड होगा, क्या हम लोग उसको μ0/4 पाई 2mr/r² - a² डिवाइडेड बाई, थोड़ा यहां रफ कर दे, सर R² + A² नहीं भाई, R² - A² का होल स्क्वायर होता है। R² - A² का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस नहीं होता। R² - A² का होल स्क्वायर होता है एक्सियल लाइन पे। चिंता ना करें, इधर से गलती नहीं होगा, टेंशन ना ले। अब देखिए, जब हम लोग शॉर्ट डायपोल का बात करते हैं, जब हम लोग शॉर्ट डायपोल का बात करते हैं तो आर का वैल्यू से ए काफी छोटा होता है, तो नीचे R² - A² को R² - A² को आप अप्रोक्सीमेटली R² लिख दें। तो जरा गौर करना, R² का स्क्वायर आर पे पावर 4 होगा। हाँ सर। ऊपर एक आर से नीचे आर का 4 कट गया, तो क्या हमारे पास एक्सियल लाइन पे बी फील्ड का इक्वेशन आया μ0/4 पाई 2m/r³। बोलो सही है? यस सर। अगर हमारे पास शॉर्ट मैग्नेट है, शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे ऊपर लिख सकते हैं μ0/4 पाई 2m/r³।
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m बाई r³। अब अगर कोई बोले वैक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वैक्टर फॉर्म, चलिए भाई वैक्टर फॉर्म में बात कर लें, तो देखो जो हमारा डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ m का है, एक्सेल लाइन पे नेट बी फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है, तो वैक्टरली जो हमारा वैक्टर है एक्सेल लाइन पे वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m वैक्टर डिवाइडेड बाई r³। वैक्टरली जो हमारे m का डायरेक्शन होगा एक्सेल लाइन पे बी फील्ड का भी वही डायरेक्शन होगा। ये सारा डिस्कशन जो तुम कर रहे हो ना, ये सब हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल से कॉपी पेस्ट है। बस एक चीज आपको करना पड़ता है कि जहां इलेक्ट्रिक डायपोल में 1/4 पाई आप सिलेंड नॉट था, वहां आप म्यू नॉट बाई 4 पाई लेते हैं, जहां इलेक्ट्रिक डायपोल में पी था वहां एम लेते हैं, बस यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। बोलो समझ में आया पहला? चलो इक्वेटोरियल लाइन पे बात करते हैं। डायपोल का अपना लेंथ 2a, आपके पास एक पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे p एट ए डिस्टेंस r, ये है हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन m। तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम b फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे बोलेंगे तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2। ओके सुभज जी, समझ गए, यहाँ पे प्लस होता है। अब अगर तुम उसके शॉर्ट मैग्नेट के बारे में बात करोगे, शॉर्ट मैग्नेट या शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल, तो ऑब्वियसली आर से ए काफी छोटा होगा, तो यहाँ पे जब आप आर स्क्वायर पे पावर 3/2 डालेंगे तो आर क्यूब आएगा। तो इक्वेटोरियल फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड एग्जिस्ट करता है उसका वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r³। ठीक है, डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज याद रखना है। हाँ वेरी गुड, इक्वेटोरियल लाइन पे जो डायरेक्शन हमारे m का है नेट बी फील्ड जस्ट उसके अपोजिट में होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमारे बी फील्ड का डायरेक्शन है वो m के अपोजिट में होता है। तो जब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म जब आप डिस्कस करते हैं तो b ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पे m जो वेक्टर लेंगे उसमें एक माइनस साइन लगा दीजिए जो आपको ये बता रहा है कि वट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ m, बी फील्ड उसके अपोजिट में होगा। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर बी फील्ड का डायरेक्शन m के अपोजिट में होता है, एक्सेल लाइन के ऊपर, एक्सेल लाइन के ऊपर बी फील्ड का डायरेक्शन m के डायरेक्शन में होता है। सो एकदम केयरफुली है ना चीजों को ध्यान रखना, कोई नया चीज नहीं है। आप अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मन से पढ़ लिए हैं तो आज का चीज बस समझ लेना कि मैग्नेटिज्म में उसका रिविजन हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। एनी पॉइंट, आपके पास जो डायपोल है मैग्नेटिक डायपोल उसका लेंथ 2a, आपके पास यहां पे एक पॉइंट है, और ये जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ये r मेक्स एन एंगल थीटा, डिस्टेंस है r, यहां पे एक पॉइंट है जहां हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। तो एनी पॉइंट के लिए बी फील्ड का इक्वेशन है म्यू नॉट बाई 4 पाई m by r cube under root, याद आया under root 3 cos square theta plus 1 sir. Very good, 3 cos square theta plus 1. तो अगर आपके पास कोई any point वाला केस है जहां ये theta आपके सामने कुछ भी दिया है, 30 degree, 60 degree, 53 degree, 53 degree, जो दिया है, आप अगर वहां बिफिल निकालना चाहते हैं तो ये रहा बिफिल। बिफिल का अपना एक direction होता है, ये है बिफिल, और आपका ये जो बीफिल्ड है वो इस पर्टिकुलर आर के साथ कुछ एंगल बनाता अल्फा। तो अगर आप उस बीफिल्ड का डायरेक्शन देखिएगा,
याद रखना वहां पे टैन अल्फा यूज होता है, टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा बाई टू, ओके। हाँ टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा बाई टू। अब सबको सुनना ध्यान से, आप अगर एचसीबी बुक इन सबको बनाएंगे तो आज ही जैसे बैचेस में डिस्कस हो रहा था इस पे बेस्ट क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 277 में, पेज नंबर 277 में एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या बोला है सुनना, पेज नंबर 277 का क्वेश्चन नंबर 6, वो ये कहा है कि मैग्नेट के लिए एक ऐसा पॉइंट जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सेल लाइन पे परपेंडिकुलर हो, उसका थीटा निकालो, नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सेल लाइन पे परपेंडिकुलर हो, थीटा निकालो। एक्चुअली वहां लिखा हुआ है कि थीटा प्रूफ करके दिखाओ कि टैन इनवर्स रूट टू होता है, ये प्रूफ करके दिखाओ, आप लोग देख लीजिएगा पेज नंबर 277 क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए वहां जो बोला है कि बी नेट जो है वो एक्सेल लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो तुम जो लोग जरा गौर करो भाई, अभी तुम पढ़े ना अल्फा, ये अगर ये क्वेश्चन बोल दिया है कि बी नेट हमारे एक्सेल लाइन पे 90 हो, तो ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस अल्फा है, 90 माइनस थीटा? यस सर। इसका मतलब ये है कि अल्फा कुछ और नहीं है, वो 90 माइनस थीटा के बराबर है, देख लो। हाँ सर, हाँ यस सर। तो आप देखे हैं ना, अभी आप तुरंत लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा बाई टू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई टू। क्या इसको लिख दे cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई टू, टू को इधर वैल्यू cot का 1/10, ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट टू, tan इनवर्स रूट टू, तो यही आपको प्रूफ करने के लिए उसमें दिया गया है कि भाई ये प्रूफ करके दिखाइए। तो ये जो आंसर आएगा वो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट से आएगा, जब भी आप ये सोचेंगे कि नेट बी फील्ड अगर एक्सेल लाइन पे परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये अल्फा के बराबर है, बस अल्फा का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो आंसर, ठीक है। चलो तो ये था बी फील्ड के बारे में कॉन्सेप्ट, जब हम किसी बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ले तो एक्सेल लाइन पे बी फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे बी फील्ड और एट एनी पॉइंट पे बी फील्ड कैसे वैरी करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, कहीं कोई दिक्कत है ना? नो सर। अब हमारे पास है मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये बार मैग्नेट, मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, मैग्नेटिक मोमेंट से ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है दैट मेक्स एन एंगल थीटा, तो इस पॉइंट पी पे अगर आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिएगा देन इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एनी पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एनी पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, थीटा क्या है, एम क्या है, आर क्या है, वो सब आपके सामने रखा है। अब अगर कोई बोल दे कि भाई हम एक्सियल लाइन पे चाहते हैं, तो एक्सेल लाइन के लिए पॉइंट यहां आ जाएगा और पॉइंट जब यहां आ जाएगा तो क्या थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा? यस सर, यस सर। एक्सेल लाइन के लिए थीटा को कर दो तुम 0, तो जैसे ही तुम 0 करोगे तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट सर? एम बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें भी कोई बोल दिया कि भाई इक्वेटोरियल पे निकाल के दिखाइए, अगर पोटेंशियल हाँ बिल्कुल सही, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो इक्वेटोरियल पे हमारा पोटेंशियल 0। कोई अगर बोल दे कि स्मॉल डायपोल के लिए निकालिए, तो स्मॉल डायपोल के लिए आर स्क्वायर बड़ा होगा, तो जनरल फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई एम कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल डायपोल के लिए है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, बस खाली इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल दिमाग में है कोई चीज नया नहीं, पी एम से हट गया है,
ई बी से हट गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट μ0/4 पाई से हट गया। यह पोटेंशियल, जब भी आप मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डायपोल लेंगे तो उसका पोटेंशियल किसी पॉइंट पे आप इस तरीके से सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, टॉर्क, ये कोई एक मैग्नेट, लेंथ वही 2a है, ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और आप इसको किसी एक बी फील्ड में रख दिए हैं विच मेक्स एन एंगल थीटा। ये बी फील्ड इस मैग्नेट के खुद का बी फील्ड नहीं है, हम बार बार आपको डिस्कशन में ये बोल चुके हैं कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड कभी भी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। खुद का मैग्नेटिक फील्ड ना अपने ऊपर कोई फोर्स लगाता है ना टॉर्क लगाता है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, सीधा ड्रॉ ही नहीं हो रहा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड ना अपने ऊपर फोर्स लगाता है ना टॉर्क लगाता है। तो ये कोई बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एम। तो याद करो, टॉर्क का इक्वेशन होता है एम बी साइन थीटा पी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल पी साइन थीटा, बोलो सही है? यस सर। तो मैग्नेटिक डायपोल में उसी को आप बदल दिए, हो गया एम बी साइन थीटा, और जैसे ही यहां पे आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे इट इज एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। तो कोई भी मैग्नेट को या मैग्नेटिक डायपोल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो होगा एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी। इसमें थीटा क्या है, इसमें थीटा एक्चुअली बी फील्ड जो आप अप्लाई किए हैं और जो एम वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उनके बीच का एंगल है, थीटा ध्यान रखना, क्लियर है? अब यहां से तीन स्पेशल केस, हो सकता है कि आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अप्लाइड बी फील्ड के साथ पैरेलल हो। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अप्लाइड बी फील्ड के साथ पैरेलल है, थीटा है जीरो और टॉर्क का वैल्यू है जीरो, जीरो। अगर कभी ऐसा हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी फील्ड एंटी पैरेलल हो, सर एम क्रॉस बी, हाँ, तो 180 है, साइन 180 भी जीरो होता है, टॉर्क फिर से हो गया जीरो। टॉर्क उसी समय मैक्सिमम होता है जब हमारे एम का डायरेक्शन बी फील्ड के ऊपर 90 बनाए, हाँ, अगर थीटा 90 है तो टॉर्क का वैल्यू होता है एम बी विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी डायपोल। कोई भी डायपोल, चाहे आप इलेक्ट्रिक बात करें या मैग्नेटिक या आप लूप का बात करें, करंट कैरिंग लूप इज ऑल्सो डायपोल, ओके ना? यस सर। हाँ, करंट कैरिंग लूप इज ऑल्सो अ डायपोल हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आई एन ए, वो भी एक डायपोल है। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप ध्यान रखिएगा, आप तीन तीन डायपोल को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। एक मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट, दूसरा मैग्नेटिक डायपोल करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, और थर्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तीनों एक साथ चल रहा, सब एक जैसा बिहेव करता है, ठीक है? हाँ बोलो ना सर। तो इसमें सर एम क्रॉस बी करेंगे तो सर टॉर्क एक डायरेक्शन आएगा, तो सर इसमें फिर टॉर्क नहीं लगेगा बार मैग्नेट में? क्यों नहीं लगेगा बार मैग्नेट में टॉर्क सर? तो आप बोले कि जो खुद का फील्ड बनाता है सर उस पे तो नहीं लगेगा। ये बी फील्ड किसका है, मैग्नेट का है या फिर बाहर से अप्लाई है? तो मैग्नेट, हाँ सर समझ गया, ये बाहर का है, मैग्नेट का नहीं है, मिनाल, ओके, बाहर का है सर, ये बाहर का बी फील्ड है, एक्सटर्नल लिख देते हैं यहाँ पर, ये सर समझ गए सर, एक्सटर्नल अप्लाइड, ये मैग्नेट का बी फील्ड नहीं है, अपना बी फील्ड कभी अपने ऊपर फोर्स या टॉर्क नहीं लगाएगा, ओके? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी अपने ऊपर चार्ज के ऊपर ना फोर्स लगाता ना टॉर्क, ये बाहर का अप्लाइड, ठीक है? चलो आगे बढ़े, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी मैग्नेटिक डायपोल में जिसमें एम का डायरेक्शन है और अप्लाइड बी का डायरेक्शन है, उनके बीच का एक एंगल है थीटा, याद रखना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम बी कॉस थीटा,
माइनस एम बी कॉस थीटा, या आप इसी को लिख सकते हैं एज ए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एम एंड बी, एज ए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एम एंड बी, ये एम और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। अब यहां भी जो भी आपके पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है उसको आप जरूर से जरूर तीन केस में देखें। अगर हमारे एम का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन पैरेलल है, थीटा जीरो है, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम बी, और ये आपके पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है। दूसरा, अगर हमारे एम का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन है एंटी पैरेलल, थीटा है 180, और ऐसे केस में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है प्लस एम बी, ये है मैक्सिमम। और थर्ड है, अगर ऐसा हो कि हमारे बी का डायरेक्शन और एम का डायरेक्शन हो जाए परपेंडिकुलर, थीटा हो जाए 90, क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोलोगे? यस सर। तो एक इंटरेस्टिंग फिगर, जब मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक, जब मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी फील्ड पैरेलल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और टॉर्क जीरो होता है। पिछला टॉपिक, टॉर्क जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। जब ये एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है एंड अगेन टॉर्क जीरो होता है। यहीं से अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। कोई भी मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, करंट कैरिंग लोपेज डायपोल का दो स्पेशल केस इक्विलिब्रियम का होता है। इक्विलिब्रियम, वन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद आ रहा होगा? यस सर, और एक आंसर भी निकल गया। हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो जिसमें आपका एम और बी होता है पैरेलल, थीटा है जीरो, टॉर्क है जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी, मिनिमम है, मिनिमम है, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात तीनों डायपोल में काम करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप, तीनों केस में। अगर एम और बी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ई पी सेम डायरेक्शन में होगा, टॉर्क होगा जीरो, पोटेंशियल एनर्जी होगा मिनिमम, एंड डायपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी का दूसरा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास एम का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ, थीटा है 180, टॉर्क का वैल्यू है जीरो और पोटेंशियल एनर्जी है प्लस एम बी, कहने का मतलब मैक्सिमम, दैट टाइप ऑफ डायपोल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें उसका टॉर्क तो जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम, देन डायपोल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सोच के बताना किस इक्विलिब्रियम में डायपोल SHM शो करेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ना स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में इफ डायपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज, इट शोज SHM। अगर आप डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये देखिए डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अब आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, जैसे ही डिस्प्लेस करके छोड़िएगा इट शोज SHM। बार बार यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तुम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, इट शोज SHM, बार बार मीन पोजिशन को क्रॉस करेगा, फिर आएगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर आएगा, फिर क्रॉस करेगा, दैट इज SHM। SHM हमेशा ध्यान रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द ऊपर नीचे टू एंड फ्रो होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वही काम करता है मीन पोजीशन की तरह, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वही काम करता है मीन पोजीशन की तरह।
तो ये था आपके इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। आगे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, तो अभी हम लोग देख चुके हैं अगर आपके अप्लाइड एम का डायरेक्शन और बी फील्ड सेम है, देन दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्रॉम विच आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डायपोल शोज एसएचएम। कोई बताएगा फॉर्मूला टाइम पीरियड का, इलेक्ट्रिक डायपोल वाला जो आप पढ़े थे, डिराइव किए थे? बिल्कुल सही, 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई। तो यहाँ डेरिवेशन नहीं करते हैं, सीधा लिखते हैं टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिवाइडेड बाई एम बी। मोमेंट ऑफ इनर्सिया है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम बी। तो कोई भी परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट या फिर करेंट कैरिंग लूप एज मैग्नेट, दोनों में से कोई भी ले लो, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेट ले लो या परमानेंट बार मैग्नेट ले लो, अगर उसको आप छोड़ोगे, अगर उसको आप रिलीज करोगे, तो हमेशा अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखेगा। अब तुम जाके उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ दो, इट्स ओज एसएचएम। तुम जाके उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ दो, इट्स ओज एसएचएम, एसएचएम शो करेगा। सही है, That type of SHM का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए, then time period t equals to 2 pi under root i by mb। अच्छा, i लेंगे moment of inertia। कोई एक बार मैग्नेट जब ये ऑसिलेट करेगा, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया तुम किसके जैसा लोगे, कौन से रिजिड बॉडी की तरह इसको ट्रीट करोगे? बोलो बोलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? क्या कुछ है? अगर आप बार मैग्नेट को ऑसिलेट कराएंगे ऐसे, तो आप बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया किस रिजिड बॉडी के इनर्सिया के जैसा लिखिएगा? नहीं, आवाज आ रही है? बार मैग्नेट को आप रॉड लेंगे, और जैसे रॉड का सेंटर के अबाउट में इनर्शिया लिखते थे ml स्क्वायर बाय 12, यस सर, वैसे लोगे। अगर इनके अबाउट में रहेगा तो ml स्क्वायर बाय 3, वैसे लोगे। तो जैसा रॉड में लेते थे वैसा यहां लोगे, ओके? यस सर, ठीक। ये था आपका बार मैग्नेट का सेक्शन। कहीं किसी को डाउट? नो सर। चलिए भैया, तो बार मैग्नेट में पोर्शन ये था। अब देखो, मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तुम्हारे सामने है। कोई भी मैग्नेट, कोई भी अगर आप मटेरियल लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। एक्चुअली अगर आपको याद होगा, तो आप लोग अभी तक कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पढ़े हैं। आपको याद है, आप हर जगह पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। यस सर, इंडक्शन ही पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। हाँ, तो आज समय है कि हम लोगों को ये 5-6 टॉपिक है ना, पहले पढ़ लेना है, उसके बाद फिर पारा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक को देखेंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? ये मैग्नेटिज्म वाला सेक्शन ओवर हो जाएगा, ओके? सबसे पहला चीज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ये डेफिनेशन टाइप है, तो इन सब का डेफिनेशन भी हम लिखाते चलेंगे, यहां तुमको समझाते भी चलेंगे, ठीक है? जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके सामने ड्रॉ है, जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है, आप अगर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखे, जनरली आप तीन मैग्नेटिक सब्सटेंस समझते हैं, एक है डायमैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक और एक है फेरोमैग्नेटिक, सही है ना? Yes. हाँ, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच रखिएगा,
वो जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा देखो, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे एक दूसरे से दूर कर दिया है ना हल्का सा, हाँ सर, पारा मैग्नेटिक में ये थोड़ा अंदर खींच लेता है, पारा मैग्नेटिक में थोड़ा अंदर खींच लेता है, और फेरो मैग्नेटिक में ये बहुत अंदर खींच लेता है, बहुत ज्यादा। तुमको यहां दिख रहा होगा बहुत ज्यादा फील्ड लाइन दूर दूर से खींच लिया गया। ओके अच्छा, मान लीजिए हम लोग स्पेस का बात करते हैं, वैक्यूम का बात करते हैं, तो स्पेस या वैक्यूम में जो फील्ड लाइंस होगा वो एकदम सीधा सीधा होगा। स्पेस या वैक्यूम में जहां किसी भी तरह का मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम सीधा सीधा होगा। अब सुनना पहला डेफिनेशन, जब हम लोग स्पेस या वैक्यूम के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया का बात करते हैं, फिर से, जब हम लोग स्पेस या वैक्यूम के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया का बात करते हैं तो वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक, ये देखो स्पेस है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन स्पेस और वैक्यूम, कोई सब्सटेंस नहीं, इन स्पेस और वैक्यूम इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एच वैक्टर होता है ये, एच वैक्टर वैक्टर है ये, एच वैक्टर। लिखो जरा डिफिनेशन, लिखो फर्स्ट में लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तैयार हो? यस सर। डैश देके लिखो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन स्पेस और वैक्यूम, पर यूनिट एरिया इन स्पेस और वैक्यूम इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग केवल यहाँ डेफिनेशन लिखिएगा, बाकी सब चीज जब आपको ये नोट्स जाएगा तो आप अच्छे से उसको फेयर कर लीजिएगा। ओके डेफिनेशन लिखते चलिए, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू स्पेस और वैक्यूम इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक फैक्टर है। चलिए अब सुनिए ध्यान से, देखिए यहां सब्सटेंस को गॉड से देखिए, जब आप सब्सटेंस के अंदर बात करते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घट सकता है पर यूनिट एरिया, या थोड़ा बढ़ सकता है या बहुत बढ़ सकता है, बोलो सही है? यस सर, यस सर। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब तुम बात करोगे, वो कैसा भी हो, वो पारा मैग्नेट डायमैग्नेटिक हो, पारा हो या फेरो हो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पर यूनिट एरिया किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। जो आप हर दिन पढ़ते आ रहे थे वो था नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इनसाइड एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या मीडियम के अंदर, किसी भी सब्सटेंस या मीडियम के अंदर जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। आई होप सो समझ में आ रहा है। स्पेस में करेंगे तो एच है, और मटेरियल के अंदर, मीडियम के अंदर करेंगे तो बी है। क्लियर है? यस सर। सेकेंड में लिखो, सेकेंड वाला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिखना है इसमें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इनसाइड एनी मीडियम, इनसाइड एनी मीडियम
is known as inside any medium is known as magnetic field induction. Magnetic field induction. ठीक है समझे? Yes sir. ठीक, अब आ जाओ मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, जिसको आप आज तक म्यू कहते थे. Yes sir. ये म्यू क्या होता है? आप देखो ये H है, ये B है, ये H है, ये B है, ये H है, ये B है. कहीं B H से छोटा है तो कहीं B H से बड़ा है, कहीं B बहुत ज्यादा H से बड़ा है. किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जो भी बी फील्ड एग्जिस्ट करता है अप्लाइड एच के लिए, देखो आप एच अप्लाई करते हो मटेरियल के अंदर, फिर से आप एच अप्लाई करते हो मटेरियल के अंदर बी होता है, जो भी बी फील्ड प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एच उसको आप कहते हैं म्यू. मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. पूरा सुनना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. आप अप्लाई क्या करेंगे? आप अप्लाई एच करेंगे कि बी करेंगे? सर एच करेंगे. एच करेंगे, और मटेरियल का जैसा नेचर होगा उस हिसाब से वो बी क्रिएट करेगा, जो एच से छोटा भी हो सकता है और एच से बड़ा भी हो सकता है. इज दिस क्लियर? हाँ सर. तो बी फील्ड पर यूनिट एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी, उसी को मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं. लिखो अगला डेफिनेशन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी. लिखना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी. सर एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट कीजिए ना मैग्नेटिक परमेबिलिटी का. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी. आप वहां फॉर्मूला लिख लेंगे म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच, सीधा बी बाई एच भी देख के आप आराम से आंसर दे सकते हैं. म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच. अब आप देखो जरा, अगर आपके पास कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो देख रहे हो बी कम है एच से, इस वजह से म्यू वन से छोटा होता है. अगर पारामैग्नेटिक मटेरियल है तो बी एच से बड़ा होता है, इसलिए ध्यान रखना म्यू वन से बड़ा होता है. और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो बी हमारे एच से काफी बड़ा होता है, इसलिए म्यू वन से काफी बड़ा होता है. इज दिस क्लियर? ठीक. अब देखो अगला टर्म है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी. परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. जब आप किसी मीडियम के परमेबिलिटी में स्पेस या वैक्यूम के परमेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी कोई भी रिलेटिव टर्म होता है उसी तरह ये भी। अगला लिखो नेक्स्ट, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी डैश देके लिखना, परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज नॉन एज, इज नॉन एज रिलेटिव परमेबिलिटी, इज नॉन एज रिलेटिव परमेबिलिटी। आप लिख लीजिए ऐसे कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाई, सॉरी म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम बाई म्यू नॉट, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम बाई म्यू नॉट। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या तुमको बता रहे हैं फाइव नंबर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आई वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। होता क्या है समझना। अच्छा आप एक आयरन का पीस ले, मान लो इतना बड़ा है ना रॉड है, या आयरन का एक पीस है, या निडल है, वो जो नेल होता है ना काटी 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 ठोकने वाला, वही मान लो वो बहुत दिन से कहीं फेंका हुआ था, तुम उसको लाएगा और छोटा छोटा जो आयरन का फिलिंग है उसमें टच करेगा तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता। ओके अब आप क्या कीजिए, वही जो काटी है उसको है ना एक दो घंटा मैग्नेट के साथ कॉन्टेक्ट में रख दीजिए, कोई स्ट्रांग मैग्नेट है उसके साथ उसको टच करके रख दीजिए, और फिर उस कांटी को लेके आओ छोटा छोटा आयरन पीस के पास, तो क्या उसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं। सर अट्रैक्ट करेगा, सर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, बचपन में खेल भी आप खेले होंगे, बहुत देर तक अगर आयरन को किसी मैग्नेट के साथ टच में रख दीजिएगा तो वो खुद भी खुद अपने अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन को स्टोर कर लेता। बोलो सही है। यस सर। हाँ ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वही है, जब आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स डेवलप होता है। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फिर से देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जिसका लेंथ एल है, तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये भी एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। एक एंड उसका पॉजिटिव पोल तो एक एंड उसका नेगेटिव पोल की तरह काम करता है। अब देखो जो भी इसके अंदर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है, क्या हम उसको लिख सकते हैं क्यूएम इंटू एल, और क्या हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल। बोलो सही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। यस सर। देखो तो जैसे ही हम सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन आएगा, एम आएगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग आई कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्यू एम इंटू एल लिख दिए और पूरे वॉल्यूम को एरिया इंटू एल लिख दिए, एल कैंसिल। तो आई का एक दूसरा डेफिनेशन होता है, वो होता है पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों में से जिसको चाहो आप बोल सकते हो 100% सही। लिखो जरा डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर, डैश देके लिखना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड इन एनी मैग्नेटिक मटेरियल when it is placed in external magnetic field comma is known as intensity of magnetization is known as intensity of magnetization. हो गया? Yes, sir. और एक दूसरा डेफिनेशन भी लिखोगे, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पोल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड intensity of magnetization is also called intensity of magnetization. ठीक है, yes sir. ठीक, अब आप लोगों के पास बचा है एक चीज, ये भी हो गया, बचा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, देखो इसका सिंबल, काई मतलब एक्स जैसा लिखना है लेकिन एक आर्म बड़ा होना चाहिए। दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली काई विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई जो होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी मीडियम का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो एक्चुअली बताता है कि अगर आप अलग अलग सब्सटेंस पे एच अप्लाई कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एल्यूमिनियम का रॉड है, एक निकेल का रॉड है और एक आयरन का रॉड है,
आप सभी पे एक ही तरह का एच अप्लाई कर दिए, बताओ सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज कौन होगा? वही होगा जिसको तुम जानता है, आयरन। आयरन सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। देखो अगर सभी के लिए एच का वैल्यू सेम है, सभी के लिए एच का वैल्यू सेम है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल्स एम आयरन में बनेगा, उससे कम निकल में बनेगा और सबसे कम एल्यूमिनियम में बनेगा। ओके, तो जो आई का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आयरन का है, उससे कम निकल है, उससे कम एल्यूमिनियम है। तो आप ऐसे समझिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जब हम लोग अलग अलग मटेरियल के ऊपर सेम एच अप्लाई करेंगे तो हर मटेरियल अपने नेचर के हिसाब से अपने अंदर आई डेवलप करेगा। कोई भी मटेरियल कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करता है, आई प्रोड्यूस करता है पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, जो आप एच अप्लाई करते हैं उसको, उसके रिस्पेक्ट में कितना आई डेवलप करता है, उस रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, लिखो डेफिनेशन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई इज इक्वल्स टू आई बाई एच, काई इज इक्वल्स टू आई बाई एच। एक रिलेशन भी आप याद रखिएगा, काई एक्चुअली आई और एच के साथ रिलेटेड है, उसका रिलेशन हमको बनाना पड़ेगा नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। रुकिए हम बताते हैं, देखिए ध्यान से, रिलेशन से बिटवीन काई एंड म्यू, काई और म्यू के बीच का रिलेशन आप जरा सुनना समझना। ये मीडियम के अंदर जो बी है वो एच से कम है, इस मीडियम के अंदर का जो बी है वो एच से बड़ा है, यहां कम है, और यहां का जो बी है वो एच से काफी बड़ा है। ओके, देखा गया है ऐसा कि बी का जो वैल्यू है वो एक्चुअली एच वेक्टर और आई वेक्टर का सम होता है, वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम। जब आप इस पे एच अप्लाई करते हैं, जब आप इस पे एच अप्लाई करते हैं तो इसका आई अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, इसलिए अंदर का रिजल्टेंट एच और आई के सब्सट्रैक्शन से मिलता है, बी कम होता है। लेकिन आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे एच अप्लाई करेंगे तो आई उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो दोनों ऐड हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो आप एच अप्लाई करते हैं, आई उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है तो दोनों ऐड हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का वेक्टर सम होता है। ये अब सुनो, हम लोग अभी पढ़े काई इज इक्वल्स टू आई बाई एच, तो जहां आई है वहां हम लोग काई इंटू एच लिख सकते हैं, इस वैल्यू को यहां रखा जाए तो क्या हम लोग बी को लिख सकते हैं एच वेक्टर, काई एंड एच वेक्टर। चलो इसमें से एच वेक्टर को कॉमन ले लो, तो जब आप एच वेक्टर को कॉमन लेंगे तो क्या यहां वन प्लस काई आएगा। अब आप बी में एच से डिवाइड कर दें, बी में एच से डिवाइड कर दें
ये वन प्लस काई है, क्या ये बी बाई एच म्यू है? तो याद रखिएगा म्यू इज इक्वल टू वन प्लस काई, याद रखिएगा म्यू इज इक्वल टू वन प्लस काई, ये म्यू का वैल्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू वन प्लस काई, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल का सारा सब्सटेंस का कैसे प्रॉपर्टी चलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप देखें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड फाइनली इट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इतना ही रखेंगे आज के लिए, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ेंगे, जो अगले दिन तुम पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्म कर दे तुमको पहले से, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, कुछ सेक्शन बचा है अगले दिन खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ है ना, अगर आपका रह गया हो मैग्नेटिज्म में तो प्लीज से, क्योंकि अगले दिन हमारे पास समय रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि कुछ एक टॉपिक छूट गया है कहीं, तो हमको याद दिला दीजिएगा, एक बार बुक पलट लीजिएगा, अपना सिलेबस देख लीजिएगा, कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी अगर बचा होगा, ठीक है, जेई का सिलेबस, नीट का सिलेबस और अपने बोर्ड के सिलेबस में, प्लीज हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ओके। चलो ठीक है, आज के लिए थोड़ा यही रहेगा कि नोट्स तो हम भेज रहे हैं बट आपको काम करना पड़ेगा।